प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या बायोलॉजी चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस पिक्चर का नाम है, इस पिक्चर के ट्रेलर का नाम है, ट्रेलर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। उस पिक्चर का नाम है मेड इन चाइना, इंडिया का जुगाड़। दरअसल इसमें हीरो के रोल कर रहे हैं राजकुमार राव और सपोर्टिंग एक्टर है गजरज राव और परेश रावल, भूमि ईरानी, सुमित व्यास, सोमी रॉय। दरअसल स्टोरी इस तरह है, हीरो एक बिजनेस करना चाहते हैं और काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और जिंदगी में तरह तरह के वो बिजनेस कर चुके हैं, छोटे मोटे बिजनेस, पर वो सक्सेसफुल होते नहीं है। पर इससे कुछ अलग करना चाहते हैं, और एक इंडियन वायग्रा जो हम देसी वायग्रा कहते हैं, कह सकते हैं, वैसा एक उसकी खोज करते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद अपनी बीबी से पूछते हैं क्या ये अच्छा है, अच्छा असर कर रहा है। तो जी हाँ, वो जरूर जवाब देती है, और जवाब देने का तरीका कुछ अलग होता है, और पूछने का तरीका भी काफ़ी अच्छा अलग होता है। और फिर इस तरह देखा जाता है, परेश रावल से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, परेश रावल से पूछते हैं कि कस्टमर कौन है, कस्टमर क्या होता है। तो जवाब देते हैं, कस्टमर एक चूतिया होता है, एक बहुत बड़ा ताला है, बस उसकी चाबी तुम्हें मिल जाए, तुम बन जाओगे एंटरप्रेन्योर। इस तरह कहते हैं परेश रावल जी। और काफ़ी इस तरह पिक्चर आगे बढ़ता है, पिक्चर का ट्रेलर में इस तरह आगे बढ़ते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा दिखाया जाता है। फिर उनके दोस्त आते हैं सुमित व्यास, फिर उन्हें कहते हैं आपको क्या अफगानिस्तान, ये सीरिया थोड़ा भेजा जा रहा है, आपको चाइना तो भेजा जा रहा है। फिर वो चाइना जाते हैं, चाइना में अपना दवाई बेचने, जो अपनी खुद की खोजी हुई, खुद के बदम बनाया हुआ दवाई बेचने जाते हैं। और फिर वहाँ से कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, काफ़ी तरह के लोगों से मिलते हैं, फिर भूमि ईरानी जी से मिलते हैं, उनके बारे में एक स्टेज शो में जाके देखते हैं, उनके शो देखते हैं, फिर उनसे जाके पर्सनली मिलते हैं क्योंकि वो एक सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं। और काफ़ी अच्छा एक दूसरे को सुझाव दिया जाता है, और इस तरह अपनी दवाई बेचते हैं वहाँ पे जाके, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके कि पेशेंट आपके और दवाई मेरा, दोनों का मुनाफा 50-50 इस तरह। और इस तरह देखते हैं कि वो एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, और परेश रावल जी वहाँ वहाँ आके थोड़ा ट्विस्ट करके चले जाते हैं, ट्रेलर में इसी तरह दिखाया जाता है। फिर उन्हें थोड़ा सपना दिखाया जाता है कि आप एक आपके में आग है, आप बड़े बिजनेस है, इस सूप को हम पूरी दुनिया में बेचेंगे, आप एक बार पीछे अपने हाथ रख के देखिए कितनी गर्मी है आपके में, आग कितनी है आपके में। तो पीछे पिछवाड़े में हाथ रखते हैं, फिर हाथ निकाल के बोलते हैं हाँ वाकई गर्मी है। इसी तरह चलता है ट्रेलर में आखिरी तक, देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी तो पिक्चर में क्या है, क्या स्टोरी। ट्रेलर देखने के लिए तो हमें बहुत हंसी आता है, आजकल तो पिक्चर तो ओपनली बनता है, कुछ कुछ विषय तो डायरेक्टली बताया जाता है, इनडायरेक्टली बताया जाता है, पहले की पिक्चर में ऐसे नहीं हुआ करता था, जमाना बदल गया है शायद, इसके लिए इस तरह दिखाया जा रहा है। देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगा तो क्या क्या होता है, और स्टोरी में क्या है आखिरी में पिक्चर में, देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।